देखिए, हमने पंचायत नहीं बुलाई, हमने एक मीटिंग बुलाई अपने प्रमुख लोगों की, और हम आज तय करेंगे कि या तो टीएमसी के सांसद जल्द से जल्द माननीय उपराष्ट्रपति जी से और देश के करोड़ों किसानों से माफी मांगे और अपनी गलती का एहसास करे, अन्यथा हम जल्द से जल्द आज ही तय कर एक पंचायत बुलाएंगे, बड़े स्तर की पंचायत बुलाएंगे और इनका विरोध करेंगे, प्रमुखता से करेंगे, और हो सका तो टीएमसी के सांसदों का मकान भी घेरेंगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर बात करें कांग्रेस के सांसदों की, विशेष तौर पर उनके सबसे बड़े नेता की, उनको इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो देश के विपक्ष के बड़े नेता है और इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि वो भी जल्द से जल्द इस पर माफी मांगे और इस तरह की घटना भविष्य में ना करे, क्योंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में विपक्ष में नहीं है। हमारा मकसद है कि जो किसान परिवार का अपमान है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। एक तरफ अगर बात करते सांसदों के निलंबन की, तो 92 सांसद लोकसभा से भी स्थगित हुए हैं, राज्यसभा से 46 हुए, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष का तो अपमान नहीं किया गया, राज्यसभा के जो सभापति हैं या उपराष्ट्रपति, उनका अपमान क्यों किया गया कि वो किसान परिवार में जन्मे हैं। किसान परिवार का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी कार्रवाई साफ है, हम आज बैठ के अपनी रणनीति बनाएंगे और टीएमसी के सांसदों का विरोध करेंगे और एक बड़ी पंचायत जल्द से जल्द बुलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ममता बनर्जी अपने सांसदों से भी माफी मंगवाए और खुद भी माफी मांगे, और इस पे, क्योंकि ये देश के सर्वोच्च पद पर बैठे एक व्यक्ति है जो किसान परिवार में जन्मे है, और किसान परिवार के व्यक्ति का पहली बार इतने बड़े पद पर चयन हुआ है, और इस तरीके का अपमान किसान परिवार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, हमने कहा ना कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं। अगर इस तरीके की वो होगी तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक उनके प्रति नकारात्मक छवि बनेगी, उनको इस तरह के चीजें नहीं भविष्य में करनी चाहिए। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी, प्रधान पालम 360 खाप। मेरा नाम सुखचैन सिंह है, दिल्ली देहात के गांव दिचाऊ कला का मैं निवासी हूं। आज ये सभा पालम 360 के प्रधान आदरणीय सुरेंद्र सोलंकी जी और रामकरण राजेंद्र डागर जी की अध्यक्षता में यह पंचायत बुलाई गई है, और जब से ये वीडियो वायरल हुई है, देखिए जिस प्रकार से हमारी खापो पंचायतों का पुराना इतिहास है, उसी प्रकार से देश की आजादी के बाद लोकतंत्र देश की सबसे बड़ी पंचायत अगर कहीं है तो वो संसद है, और उसके अंदर किसान परिवार के जन्मे एक व्यक्ति जो जगदीप धनखड़ है, उनका मजाक टीएमसी के सांसद के द्वारा बनाया जा रहा था और लोग वहां पर दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश के ऊपर 75 साल से लगातार राज करने वाली पार्टी का एक सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी वहां पर वीडियो बना रहा है, ये देश के किसानों का अपमान है। क्या ये एक सोशल मीडिया का स्टंट था क्या, जो जब वो लोग सोनीपत में जाकर और धान रुपाई करते हुए अपनी वीडियो बनवा रहे थे, तो ये मात्र एक मजाक है किसानों के साथ कि किसान का बेटा अगर संसद में बैठा हुआ है और राज्यसभा का सभापति है तो उनकी मिमिक्री का वीडियो राहुल गांधी बना रहा है। और इस पूरे विषय पर यदि इन लोगों ने माफी नहीं मांगी तो उनके घरों का घेराव किया जाएगा और हर जगह उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम तो वो लोग हैं जो सात पीढ़ियों तक अपनी दुश्मनी नहीं भूलते हैं, और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जगदीप धनखड़ का अपमान हुआ है, तो निश्चित रूप से हम इसका बदला लेंगे और इन लोगों को धूल चटा के मानेंगे। मैं राहुल गांधी से भी मांग करता हूं कि वो देश के किसानों के सामने आकर माफी मांगे, नहीं तो जिस प्रकार की हरकत उन्होंने की है, जिस प्रकार से कल्याण बनर्जी मिमिक्री बना रहे हैं और वो भी हंस हंस के वीडियो बना रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि यदि आपने माफी नहीं मांगी तो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते आने वाले चुनाव में आपको भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।
आज तो यह हमारी कोर ग्रुप की बैठक है और इसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा, सुरेंद्र सोलंकी जी हो, चाहे राजेंद्र डागर जी हो, चाहे और हमारी तपो खापो के प्रधान हो, जिस प्रकार का निर्णय ये लोग लेंगे उसी प्रकार की हम कार्रवाई आगे की करेंगे। और निश्चित रूप से किसान के बेटे का अपमान हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल से ये पंचायत खापो वाले ने रोटी नहीं खाई है, इतना दर्द हो रहा है अंदर, दिल करता का भी उठ के चल पड़ा हम सारे, पर इतना गुस्सा हो रहा हमारे अंदर कि लाठी जलिया अंदर रखी हमारी और दिल्ली का घेराव करेंगे। सिर्फ हम प्रधान 360 के आदेश के उस पर रुके हुए हैं, अगर प्रधान अभी आदेश देते तो चारों तरफ दिल्ली का घेराव कर देंगे। और राहुल भी माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगेगा तो 24 का इलेक्शन आ रहा है, अब उसमें माफी उसके घुटने टिकवा।